गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से, ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सिविक्स स्टार्ट किया था एंड हमने टॉपिक लिया था ग्रामीण शैली, कि मतलब गांव के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ के लोगों का व्यवसाय कैसा है, वहाँ की जो व्यवस्था है प्रशासनिक वो कैसी है। तो हमने देखा था जो गांव के लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था है वो थ्री स्तरीय है ना, जो बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग बनी है। जैसे पहले क्या है, तीन स्तर है, पंचायत, देन क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे नगरीय जीवन शैली, है ना, कि नगरों में लोगों का जीवन स्तर कैसा है ना। तो जैसे ही हम सुनते हैं शहर, है ना, तो हमारे माइंड में एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने बोला गांव के बारे में बात की तो एक अलग ही, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा, लोगों का वहाँ जो अपनी दैनिक रूटीन की चीज़ें हैं, वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको प्राप्त करने में क्या होगी, हमें दिक्कत होगी, है ना। तो जब जैसे ही हम शहर का नाम या नगर का नाम सुनते हैं तो हमारे गाँव में, हमारे दिमाग में गाँव से हटकर एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना। और जो गाँव के लोगों की आजीविका क्या होती है, वो खेती पर निर्भर करते हैं, पशुपालन पर निर्भर करते हैं, जबकि शहर के लोग हैं उनकी आजीविका के जो साधन होते हैं वो गांव के कंपैरिजन में अलग होते हैं। जैसे जो गांव, शहर के लोग हैं वो कारखानों में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं ना। और जो यहाँ के लोगों का रहन सहन है वो भी क्या होता है, बहुत अलग होता है ना। सड़कों पर चहल पहल रहती है, मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारी जो नगर गांव की जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन शहर की ओर क्या करती रही, पलायन करती जा रही है ना। नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, अर्थात जनता ग्रामीण वातावरण को छोड़कर शहरों में बसने की सोच रही है, जिससे कि उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं और सेवाएं हैं वो उन्हें क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। क्योंकि जो गांव का आदमी है उसे क्या है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, है ना, हर सुविधाओं में उसे क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। तो इनकी समस्याओं को समाधान करके इनको इनकी सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ, इसके लिए नगरीय स्थानीय स्वशासन पर बल दिया जाता है ना। अब जैसे गाँव में गाँव की भलाई के लिए तीन स्तर पे होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी तरह शहरों की भलाई के लिए, उनके कार्य के लिए जो उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वो तीन प्रकार की होती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो आज के वीडियो में हम नगर पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी हमने जो पहले देखा वो क्या देखा, कि शहर के लोगों का रहन सहन, वातावरण कैसा होता है, उनका जो जीवन स्तर है वो कैसा होता है ना, और उनके आजीविका के बारे में हमने चर्चा की। अब हम पढ़ते हैं नगर पंचायत, है ना। सबसे जो निचला स्तर होता है वो क्या होता है, नगर पंचायत, फिर नगर पालिका एंड फिर नगर निगम, है ना। तो अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो नगरीय स्थानीय स्वशासन में नगर पंचायत सबसे निचला स्तर होता है। नगर पंचायत में ऐसे क्षेत्रों को बनाया जाता है जो संक्रमणशील क्षेत्रों, अर्थात ऐसा गांव या क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, मतलब जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, उसे क्या लगा जाता है, नगरीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसकी आबादी 5,000 से 1,00,000 के बीच में। जैसे हमने देखा कि अगर किसी गांव की आबादी 1,000 हो तभी उसको क्या है, ग्राम पंचायत अलर्ट होगा, है ना। इसी तरह जो नगर पंचायत, उसकी आबादी, अगर किसी क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित किया जा रहा है तो इसलिए उसकी आबादी 5,000 से 1,00,000 के बीच में होनी चाहिए। नगर पंचायत में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए इनकी सदस्य भी अधिक होते हैं। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या लगभग 10 से 24 तक होती है। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 से 24। इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो नगर पंचायत नागरिकों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है ना। अब तुमने पढ़ा नगर पंचायत, अब कल की वीडियो में हम नगर पालिका और नगर निगम के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो में यहीं ऑफ करते हैं, कल हम नगर पालिका और नगर निगम कंटिन्यू करेंगे। गुड डे स्टूडेंट।